अच्छा जी, हमारी मॉडल के बाल हैं कलर ट्रीटेड। कलर ट्रीटेड बालों पे हम हमेशा यूज़ करते हैं फ्लैक्स ब्लीच। फ्लैक्स ब्लीच के ये फायदे होते हैं कि जितने भी बालों में कलर हुए हुए हैं या बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं, उसको वो जीरो डैमेज करता है, बिल्कुल जीरो। तो अच्छा है ना कि हम बालों को सिक्योर भी करेंगे इस ब्लीच के साथ और 100% रिजल्ट भी आएंगे। साथ हम इसके ऐड करेंगे 30 वॉल्यूम, इजी कलर का 30 वॉल्यूम, ये मेरे पास है। हमारा जो रेशियो है 1:2 का रेशियो है, एक हिस्सा हमारा पाउडर होगा तो दो हिस्सा हमारा 30 वॉल्यूम। जी, अब हमने अपनी पार्टिंग को कंप्लीट कर लिया है। हमने जो पार्टिंग की है वो हमने जो टेक्निक हमारी इटालियन टेक्निक है उसमें हमने स्लाइसिंग के साथ भी कुछ दिया है, बैक हमने स्लाइसिंग के साथ दिया है और हमने फ्रंट और साइड फ्रंट जो है हमारा वो सब हमने स्लाइसिंग वीविंग के साथ दिया है। ठीक है, तो आप देखें कि आपके हर जगह से हमने कंप्लीट कर लिया, हमारी पूरी पार्टीशन सेपरेट हो गई है, कहीं से आपको लगा कि कोई मिक्सिंग हो रही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखें अब आगे टाइम हमारा इसको टोन डाउन करने का, यानी कि ब्लीचिंग करने का। तो प्रोसेस देखते हैं फिर आपका। जब हम फ्लैक्स यूज़ करेंगे फ्लैक्स ब्लीच, तो हमें फ्लैक्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऐड है। ठीक है, तो हमारे बालों को ज़्यादा केयर करता है और सिक्योर करता है, डैमेज होने से बचाता है। तो हम इसकी मिक्सिंग रेशियो करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें ले रहे हैं 30 ग्राम फ्लैक्स ब्लीच। ये मेजर करके लेंगे क्योंकि मेजरमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मेजरमेंट सही नहीं होगा तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो आपने प्रॉपर इसको मेजर करना है, चाहे आप स्किल से कर लें चाहे उसको मेजर बॉल के साथ कर लें। ये हमारा पूरा 30 ग्राम होना चाहिए, ये 30 ग्राम हो गया। ठीक है, अब 30 ग्राम को हमने 30 ग्राम का डबल आएगा हमारा 30 वॉल्यूम, यानी 60 ml 60 ml हमारा आएगा 30 वॉल्यूम। इजी कलर का 30 वॉल्यूम लिया है मैंने, इसको हम देंगे 60 ग्राम। देखिए पूरा 60 ग्राम हो गया है। अब हमें इसको मिक्स करना है। तो अच्छा, मिक्सिंग की टेक्निक भी ये है कि आपने क्लॉकवाइज इस तरह, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इससे आपका जो इसके लंग्स पड़ जाते हैं ये बहुत जल्दी डिसॉल्व होते हैं। ये देखें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये देखें दो दफा में आपका पूरा पेस्ट मिक्स हो गया है, देखें। और ये पिक्स पेस्ट जो आपका इतना थिक होना चाहिए जो नजर आ रहा है आपको। अगर आप पतला करेंगे तो आपका बाल हीटअप करेगा, आपके बाल ड्राई होगा, ड्रेमेज होगा और जो आपको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा दो एप्लीकेशन में हमारा फ्लेक्सिबिलिटी देखें परफेक्टली बिल्कुल मैट हो गया। ठीक है, क्लॉक्स वाइज एंटी क्लॉक वाइज एक प्रोफेशनल टेक्निक है जो आपके ब्लीच को और डाई को मिक्सिंग करती है।
अच्छा जी, हम मॉडल के जो कलर अप्लाई कर रहे हैं वो है एश ब्लॉन्ड, लेकिन साथ साथ जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो इटालियन टेक्निक है, लेकिन इसमें जो पार्टिंग है वो है डायगोनल बैक एंड हॉरिजॉन्टल। उसमें हम कुछ हमने चंक्स लिए हैं और कुछ हमने स्लाइसिंग ली है। तो साथ साथ हम फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। हमारा ब्लीच रेडी है, साथ साथ स्टार्ट करते हैं। हमने पहले फॉइल ले लिया, फॉइल के बाद हमने थोड़ा सा ब्लीच स्प्रेड करेंगे हल्का हल्का सा। ठीक है, मैं इसको इधर ले आता हूँ और हमने जो भी चंक्स निकालने हैं। सेम जितने फॉइल हैं हम सेम वही टेक्निक करेंगे। जब ब्लीच को स्प्रेड करेंगे तो हमने स्ट्रेट ब्रश से करना है, और जब उसको ब्लेंड करना है अंदर तक पहुंचाना है ब्लीच को, तो हमने खड़े ब्रश से करना है इस तरह। और रूट छोड़ के करेंगे ताकि रूट्स पे ना लगे। और स्पेशली जो इटालियन टेक्निक है हमारी, उसमें हमारा ब्लीच जो है रूट से दूर है, कलर जो है हमारा रूट से दूर है, रूट के करीब नहीं होगा। थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच का हम उसको गैप देंगे रूट से। अच्छा, डबल फोल्ड हमने इसलिए कर देते हैं कि हमारा फॉइल स्लिप नहीं होता, नीचे नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम डबल फोल्ड किया इसका।
प्रोसीजर को तकरीबन 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो 20 मिनट के बाद हम फर्स्ट वाला जो हमारा एप्लीकेशन हमने की थी फाइल पे, उसको हम ओपन करते हैं। ओपन कर देते हैं, कितना रिजल्ट आ गया, वाओ, देखें तकरीबन 8-9 लेवल पर आ गया है। ये देखें, दिस इज वेरी गुड, 8-9 लेवल पर आ गया है, परफेक्ट रिजल्ट आया हमारा। और ये बाल भी हीटअप नहीं हुआ, लेकिन हल्का सा हम इसको मिक्सिंग करके इसको फोल्ड कर देते हैं, आफ्टर 10 मिनट्स को हम वॉश कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा भी हम इस तरह चेक कर लेते हैं, सारा फॉइल को हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाएंगे, उसको मिक्स करते जाएंगे ताकि वो वॉश के लिए रेडी हो जाए और थोड़ा कूल डाउन हो जाए। ये देखिए परफेक्ट आया बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल 9 का लेवल आ गया है, और कहीं पैचेस नहीं है, बिल्कुल ब्लैंड है, बिल्कुल देखें बिल्कुल एक सा है। इसको भी हम प्रेप कर देंगे, इस तरह हम साइड वाली देख लेंगे जो साइड्स वाले हमारे हैं। अच्छा जी, हमने फॉयल रिमूव करके हमने इनका वॉश कर रहे हैं, और ये देखें कितना अच्छा गड्ढा बना है, ये देखें बिल्कुल 9-10 लेवल के दरमियान आया है, ये बहुत अच्छा, कहीं से बिल्कुल भी पैचेस नहीं है, ये देखें ये स्मूथ है बिल्कुल, ये देखें आप क्लियर, और कितना बाल सॉफ्ट हो रहा है, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट वाला रहा है, ये देखें बाल टेक्चर कितना स्मूथ सॉफ्ट आ रहा है। अब इसको प्रॉपर हम पानी से रिंस कर लेंगे, उसके बाद हम इनकी जो, अच्छा जी, अब वो पानी से रिंस कर दिया हमने, सारा ब्लीच निकाल दिया, अब हमारे पास है येलो पिगमेंट, देखें हल्का सा येलो पिगमेंट आ रहा है, तो येलो पिगमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं इजी कलर का सुपर सिल्वर शैम्पू। ये सुपर सिल्वर शैम्पू जब करेंगे तो इसमें सारा येलो टोन निकल जाएगा, आपका जो ये कट डाउन का लेवल है वो तकरीबन 10 पे आ जाएगा, और बहुत स्मूथ कर देगा आपके बालों को, और जितनी येलो टोन है ये सब रिमूव कर देगा। अच्छी तरह हम बालों में इस तरह इसको डाल के, और उसके बाद हम इसको मसीफाई करेंगे। देखें कलर लगते ही, शैम्पू लगते ही, सिल्वर शैम्पू लगते ही बालों का टोन चेंज हो गया। अच्छी तरह से इसको मल्सीफाई करेंगे, जितना भी हमारा शैम्पू लगा है और जितना भी हमारा येलो पिगमेंट आ रहा है इसको ये रिमूव कर देगा। अच्छा जी, अब हम इनके बालों के लिए ले रहे हैं 8.1 कलर, जो कि एश ब्लोन कलर है, मीडियम एश ब्लोन, ठीक है, और साथ उसके ले रहे हैं हम 10 वॉल्यूम, इजी कलर का 10 वॉल्यूम लेंगे। अब जी मैंने इसमें तकरीबन 50 ml की ट्यूब है हमारी, ये इसमें चले गई, और 50 ml जाएगा हमारा इसमें 10 वॉल्यूम डेवलपर, 50 ml हमारी ट्यूब गई है इसमें, और 50 ml जाएगा हमारा 10 वॉल्यूम। अब इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी आपकी उतना अच्छा। ये देखें ये पूरा हमारा मिक्स हो चुका है, कितनी जल्दी हो गया। अब इसमें अप्लाई करेंगे, हम इनके बालों पे अप्लाई करेंगे।
अच्छा जी, हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई और अभी देखिए आपका सब कलर नज़र आ रहे हैं जो हमने कलर किए हैं, सेपरेट नज़र आ रहे हैं हरे कलर। ठीक है, अब हम इनको 15 मिनट रखा है हमने इसको, 15 मिनट के बाद हमने इनको वॉश करना है, कलर लॉक शैम्पू कलर लॉक कंडीशनर करना है, उसके बाद इसको रिंस कर देंगे। अच्छा जी, अब ये इनका वॉश टाइम हो गया, 15 मिनट हो गए हैं और अब इनका वॉश करें हम, डाई को सारा वॉश कर देंगे। प्रॉपर वॉश करने के बाद हम लगाएंगे इजी कलर का कलर लॉक कंडीशनर। जी, अब लगा रहे हैं हम इजी कलर का कलर लॉक कंडीशनर। तो इसको हम लेंगे, पहले हम एंड्स लगाएंगे, पहले हम इसको एंड्स लगाएंगे जो हमारे कफी, उसके बाद आस्ते आस्ते ऊपर आएंगे, रूट्स बचा के लगाएंगे इसको हल्के हल्के से ऊपर से इस तरह, ताकि रूट्स पे न जाए और पीछे वालों में अच्छी तरह से लग जाए। देखें काफ़ी सॉफ्ट हो गए, लगते ही बाल बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट हो गए। इसको 2-3 मिनट देंगे हम। Saw the whole video. This was the process and this is the end result. I absolutely love it. जैसे कि आप सब देख सकते हैं, my look has completely changed. So I would advise you all to go ahead and try out Easy Color now.